देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग बारकोड के बारे में सीख रहे हैं कि बारकोड क्या काम करता है, बारकोड का मतलब क्या है। सबसे पहले मैंने कल भी क्लास में बताया था बारकोड मीन होता है जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अब कभी हम लोग मॉल पर जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, तो हम सारी चीज़ दुकानदार से या कस्टमर से उससे नहीं पूछते कि सर आप मुझे ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। हम लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसकी MRP क्या है, कौन सा फैब्रिक लगा है, क्या साइज़ है और क्या उसका आर्टिकल नंबर है। देन ऐसे हमारे पास कई तरीके के फॉर्मेट हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम ट्रू मैन है या फिर ब्लैक जींस वाले प्रोडक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरीके से ये वाले फॉर्मेट को बनाते हैं। देखिए बीजी में बारकोड बनाने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन। पहला तरीका होता है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। क्या होता है आपका? उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे और मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पे। हमेशा याद रखना जब भी आप लोग बारकोड बनाएंगे तो हमेशा एक होता है सिंपल बारकोड, एक होता है डायनेमिक बारकोड। हम जो सीख रहे हैं ये आपका मास्टर बारकोड है, इसको सिंपल बारकोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सिंपल बारकोड। हमने यहाँ से इस टॉपिक को जैसे ही अनेबल करा तो हमारे पास तीन टॉपिक आते हैं, आइटम, अकाउंट या मास्टर। अब बताओ ये बारकोड किससे रिलेटेड होगा? आइटम से रिलेटेड होगा। क्या पार्टी से रिलेटेड होगा बारकोड? कोई नहीं, वो बारकोड हमारा कभी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होगा, वो हमेशा किससे रिलेटेड होगा? आइटम से। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर? आइटम ले लिया। आइटम उसके बाद कह रहा है क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। हमेशा याद रखना जो हेडिंग होती है उसको OPT फील्ड में काउंट हम लोग नहीं करते, या तो ये कंपनी का नेम होता है या आइटम नेम होता है। दो चीज़ होती है हमेशा यहाँ पर, या तो कंपनी नेम होगा या आइटम। जैसे इस बारकोड में क्या है? ये आइटम नेम, और इस बारकोड में ये कंपनी नेम है क्योंकि ट्रू मैन इस कंपनी का नाम है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डाल देंगे? आइटम नेम। तो हम इस हेडिंग को काउंट ना करके बाकी चीज़ें काउंट, जैसे स्टाइल नंबर, साइज, पीसीज और आर्ट नंबर। ठीक है, कितनी फील्ड की हमको रिक्वायरमेंट है? चार। तो हम कितनी फील्ड ले लेंगे यहाँ पर? चार। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे फोर, तो फोर आ गया। जैसी मैंने फोर करा देखो ऊपर क्या खुल गया, 1 2 3 4 आ गया फोर हमारा। उसके बाद अगर मैं इसको फाइव करता तो कितना खुल जाता हमारा? फाइव। सिक्स करता तो कितने ओपन होते एक बार में? सिक्स। अगर मैं सेवन करता तो सेवन, एट करता तो एट, नाइन करता तो नाइन और टेन करता तो टेन। क्या मैं इलेवन करता तो एक्सेप्ट करता? इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैंने यहाँ पर हमें ज़रूरत कितनी है? फोर, तो फोर लिया। पहला क्या है? स्टाइल नंबर, तो जो भी नाम है वो डाल देंगे यहाँ पर। देन टाइप में आता है टैक्स, नंबर, डेट, यस और नो। तो आपने क्या ले लिया अभी? टैक्स। मैक्सिमम जगह आप टैक्स ही लेना, नंबर तो बहुत कम जगह यूज करना आप लोग। देन एक वर्ड होता है मेंटेन मास्टर डाटाबेस। क्या होता है? मेंटेन मास्टर डाटाबेस। आप इस टॉपिक को यस करो। पता है ये टॉपिक क्या करता है? ये डाटा मेंटेन करता है। क्या करता है? ये डाटा मेंटेन करता है। उसके बाद स्टाइल नंबर कितना है आप? साइज नंबर, तो मैंने साइज भी करा और इसको भी यस कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है? इसको भी नो रहन दिया। उसके बाद आठ नंबर आ गया, आठ नंबर, और इसको हमने F2 से सेव कर दिया। हो गया सेव। उसके बाद जैसे ये बना मैंने सबसे पहले एक आइटम बनाई और मैंने आइटम का नाम डाल दिया देखना कुछ कह रहा कोई। और जैसे ही ग्रुप के बाद आप इंटर मारोगे एक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होता है OPT फील्ड। क्या लिखा होता है? OPT फील्ड। आप यहां पर आइटम का नाम डाल दो। क्या आइटम का नेम है? स्टाइल नंबर 07। देखो जहां मैंने यस कर रहा हूं मैन्युअली में टाइप नहीं कर सकता, नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? F3 का, और क्या डाल दिया? 0007। और यहां पर आ गया। फिर साइज नंबर कितना है? 28 32, 28 into 32 आ गया। फिर पीसेस कितना है हमारा? 400। आर्ट नंबर कितना है हमारा? और सेव कर दिया। हाँ हाँ
क्योंकि न्यूमेरिक इसलिए नहीं ले सकते, वहाँ पे फिर डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, दूसरे क्राइटेरिया होने लगते, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग सिंपल लेने के लिए करते हैं, है? टैक्स अल्फा के साथ भी चलता है, नंबर के साथ भी चलता है, क्लियर है? और मैंने इसको सेव करा, प्राइस डाल दिया 1100, ठीक है, 1000 और 1500 डाल के इसको सेव करा, पता है इसको सेव करा इसका और सेव हो गया। हमने जहाँ यस करा था उसका बेनिफिट ये है कि मैं जैसी लिस्ट निकालूंगा ना वो मुझसे पूछेगा कैसे देखनी है, स्टाइल नंबर वाइज लिस्ट देखनी है। मैंने कहा कौन सा स्टाइल, 07 करूँगा तो 07 की जितनी आइटम होगी सारी शो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 07 की जितनी भी आइटम होंगी वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। मैंने बोला मुझे साइज़ देखना है, साइज़ में कौन सा साइज, तो वो सारी आइटम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो पता है डाटा मेंटेन करने का बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप स्टॉक स्टेटस में आगे चल के रिपोर्ट निकालोगे ना तब भी यहाँ बेनिफिट देगा, ऑल आइटम करोगे वो आपसे पूछेगा स्टाइल नंबर या साइज नंबर। मतलब अब ये टॉपिक हर जगह लिंक हो गया है, इन दोनों पे किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे, एड ऑन पे, कहाँ जाओगे आप, एड ऑन पे आ जाओगे, कहाँ जाएंगे, उसके बाद ही, हाँ ये भी, ये सबसे पहले करना होता है, उसके बाद आप कुछ करते, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, एंटर मारा, हेडिंग आ गई, पढ़ेंगे बार कोड, अ वैली सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। ये बता रहा है कि बीजी को स्टार्ट करने के लिए एक तो बार कोड आता है, दूसरा एक बीजी का डोंगल आता है, तो आपको दो बार कोड होने चाहिए, दो डोंगल होने चाहिए, एक बीजी को चलाने वाला, दूसरा बार कोड को ऑपरेट करने वाला। आप इस पर एंटर मारो तो फर्स्ट स्क्रीन आएगी प्रिंटर आइटम बारकोड। हमको कहाँ जाना है, कन्फिगर बारकोड लेबल, कहाँ पहुँचना है हमको, कन्फिगर बारकोड लेबल, हमको इस पर क्लिक करना है और ऐड फॉर्मेट कर देना, क्या कर देना है, और फॉर्मेट का जो भी नाम रखना है वो डाल, जैसे मैंने बोला बारकोड, मैंने बोला 75x50 50x50, ये फॉर्मेट के नेम है, जितने मर्जी फॉर्मेट बना सकते हो, जैसे मैंने बोला फॉर्मेट 1, क्लियर है। सेकंड टॉपिक क्या आता है, मॉडिफाई करना, तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, कन्फिगर फॉर्मेट, हमें फॉर्मेट को कन्फिगर करने के लिए हमने बोला 50x50 के फॉर्मेट को क्या करना है, कन्फिगर, हमने इस पर क्लिक करा, कन्फिगर पे गए, उसके बाद सबसे ऊपर हेडिंग क्या आती है, बारकोड शीट कन्फिगरेशन फॉर द फॉर्मेट 50x50, ये कौन से फॉर्मेट पे एप्लीकेबल हो रहा है, किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, 50x50। इसके बाद लिखा है पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू, कि बारकोड आपको कहाँ से पिक करना है, फ्रॉम डाटा या फ्रॉम एक्सेल। मैंने बोला फ्रॉम डाटा करूँगा, बीजी करूँगा तो बीजी से बनेगा, फ्रॉम एक्सेल करूँगा तो, लेकिन हमें कहाँ से बनाना है अभी, बीटीस। उसके बाद लिखा है बारकोड टाइप में आप लेंगे आइटम ओनली, क्या लेंगे आप हमेशा की तरह आइटम ओनली। याद रखना कि जब आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला बारकोड बनाएंगे तो आप हमेशा आइटम ओनली लेंगे, क्या लेंगे आप हमेशा आइटम ओनली। देन आता है सिलेक्ट शीट टाइप, हमेशा कस्टम ही रहेगा, क्या रहेगा हमेशा कस्टम रहेगा। देन सिलेक्ट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, क्या होता है ये आपका कि स्किल ऑफ मोड प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग का साइज क्या चाहिए आपको, मिलीमीटर या इंचेस, इंचेस करेंगे तो इंचेस का फॉर्मेट आएगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, और मिलीमीटर करूँगा तो, क्लियर। इसके बाद आता है सेट प्रिंटर सेटिंग, क्या आता है सेट प्रिंटर सेटिंग। मैंने इस टॉपिक को यस करा तो मुझसे पूछा कौन से प्रिंटर से निकालना है सर, इसके लिए एक TSC का प्रिंटर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा प्रिंटर आता है छोटा सा, ठीक है। तो हमारे पास TSC का प्रिंटर होगा तो हम उसका फॉर्मेट का नेम टाइप करेंगे, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टाइल डोस या विंडो, पहले डोस चलती थी आज विंडो चलती है, पहले क्या चलती थी आपकी डोस, आज क्या चलती है आपकी विंडो, तो आप विंडो लोगे। इसके बाद आता है सिलेक्ट पेपर टाइप, क्या आता है सिलेक्ट पेपर टाइप, कट शीट या कंटीन रोल, पता है कट शीट क्या होता है, जो पूरे एक पेपर पे होता है इसको बोलते हैं
कट शीट कि मैंने बोला एक पेपर पे 50 पेपर निकालने हैं, 50 बार कोड, और मैंने बोला क्या कर दूंगा वहाँ पर, मैं बोल दूंगा कट शीट। उसने पूछेगा एक लाइन पे कितने चाहिए, मैंने बोला एक लाइन पे 5 चाहिए और पूरे पेपर पे 50। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। हाँ चलें, लेकिन हम कभी भी ना ये नहीं लेते, हम हमेशा क्या लेते हैं, कंटिन्यू रोल। जैसे आप कंटिन्यू रोल पर क्लिक करोगे तो आपका एक टॉपिक हाइड हो जाएगा जिसका नाम है नंबर ऑफ रो इन वन पेज। क्या है, नंबर ऑफ रो इन वन पेज, ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सर ये वन रो का मतलब क्या होता है, वन रो का मतलब होता है जैसे ये देखो एक लाइन में कितने बार कोड है, 5, तो मतलब वन रो इज इक्वल टू 5। अगर आपका बार कोड 2 होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं आप लोग, 2। अगर बार कोड आपका 1 पीस होता तो आप क्या लेते हैं यहाँ से, हमारा भी क्या है, हमारा तो हमने कितना ले लिया, 5, कितना ले लिया हमने अभी, 5। लेकिन हमारा भी 2 होगा तो 2, 1 होगा तो 1, और समथिंग कुछ 0 तो हो ही नहीं सकता, या तो 2 होगा या 1 होता है, 5 बहुत रियर केस में मिलता है। देन बारकोड की हाइट क्या है, जैसे मैंने बोला 50x50, ये जैसे 38x50 का बारकोड है, 38 की हाइट और 50 इसकी विड्थ है, तो ये किस में खुल जाएगा, 38x50 पे। मैंने कहा मुझे ये वाला बनाना है 15x20 का, तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ से 15x, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 50x50 कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा। तो ये पेपर के साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि पेपर का साइज क्या है, ठीक है। अगर इसको क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें और डिलीट बटन दबा दें तो सब आपका ये एक बार में डिलीट हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है, बस क्लिक करना है डिलीट। अगर गलती हो गई तो यहाँ पर लिखा होता है, इस पर क्लिक करोगे तो वापसी आ जाएगा। फिर इस पर डिलीट बटन पर क्लिक करा, डिलीट बटन पर, और डिलीट पूरा डिलीट हो गया। उसके बाद जाओगे कहाँ पर, ऐड टू, डबल क्लिक, डबल क्लिक करोगे तो आपकी एक हेडिंग आ जाएगी, आ गई, उस हेडिंग का यहाँ पर नाम रख देंगे, आ गया। तो मैंने बोला इसका नाम रखना है मुझे आइटम नेम, कि जो भी मैं आइटम का नेम डालूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ से पिक हो जाए। देखो एक होता है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट होता है नॉन चेंजेबल, क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी फिक्स है। प्लेन टेक्स्ट मतलब आपने लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि मैं जो भी आइटम डालूं उसका नेम पिक कर ले, क्या करे वो, तो आप प्लेन टेक्स्ट नहीं ले सकते, तो आप क्या लोगे, और डाटा फील्ड में क्या ले लोगे आप, पहला आइटम, कि जो भी आइटम का नेम हो आप वो क्या कर दो, पिक कर दो, इस पर आप इंटर मारेंगे, आगे इंटर मार दिया आपने, फिर आप कहाँ जाओगे, कैप्शन पे। सर कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होती है हेडिंग, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना ऊपर हेडिंग डाल देते हैं कि टॉपिक इज बिलोंग एजुकेशन या इंग्लिश, कुछ भी टॉपिक डाल देते हैं उसकी हेडिंग डाल देते हैं ना, तो कैप्शन उस जगह काम करता है। लेकिन आइटम के नेम में आपको कैप्शन नेम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपका टॉप से कितना नीचे आए, लेफ्ट से कितना नीचे आए, हाइट से कितना है, उसके बाद आती है आपकी प्लेसमेंट, की प्लेसमेंट वर्टिकल लगनी है या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करेंगे तो ऐसे आएगी, ओरिजेंटल करेंगे तो, क्लियर है। पेपर का साइड क्या हो, लेफ्ट करेंगे तो जैसे स्टार्ट होगा, राइट करेंगे तो पूरा कोने से, और सेंटर करेंगे तो, क्लियर है। उसके बाद फॉन्ट साइज क्या लेते हैं हम लोग, थोमा और बोल्ट, आ गया, क्लियर है। उसके बाद डबल क्लिक करा हमने, यहां से नीचे आए, हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि जो मैंने आइटम बनाते वक्त जो सारी ओपीटी फील्ड डाली थी ना, ये वाली, वो मुझे इस बारकोड के अंदर चाहिए, इसको बोलते हैं ओपीटी फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, ओपीटी फील्ड। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और यहाँ से चेक कर लो, इसका नाम है देखो ओपीटी फील्ड 1, ओपीटी फील्ड 2,
ओपीटी फील्ड 3, ओपीटी फील्ड 4, तो कितनी ओपीटी फील्ड हो गई हमारी 4। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, डाटा और फील्ड, क्या लेंगे, और क्या लिखेंगे, ओपीटी फील्ड 1। ओपीटी फील्ड 1 का मतलब कि जो पहली ओपीटी फील्ड पर डाली वो नेम डाल दो। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है मेरा स्टाइल नेम, क्योंकि अगर मैं स्टाइल नंबर नहीं डालूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा इसकी हेडिंग क्या है। पता है बारकोड क्या पिक करता है, बारकोड खाली आपका ये वाली चीजें पिक करता है, कौन सी, ये पिक करता है, ये पिक करता है, ये वैल्यू पिक नहीं करता। तो उसके लिए आपने किसकी मदद ले ली, आपने कैप्शन की मदद ली कि मुझे आप क्या दिखा दो, कैप्शन, क्या दिखा दो आप मुझे, क्या दिखाओ मुझे, कैप्शन। तो मतलब कैप्शन यहाँ शो हो जाएगा और आइटम के अंदर जो हमने ओपीटी फील्ड 1 में डाला वो नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे डबल क्लिक करो, आप क्या लेंगे, टू पे हमारा क्या था, क्लियर है, ये सेंट, ये लेफ्ट में सेंटर में इसको क्या करो, डॉट देखो, एक डॉट कहां जा रही है और एक डॉट कहां जा रही है, इसमें ये जो डॉट वाला सिंबल ही हटाओ, इस पे क्लिक करो, यहाँ से डॉट को बढ़ा दो, आ गया डॉट, ये देखिए एक कितना गैप आ रहा है, इसको उठा के यहाँ रख दो उसके ऊपर हल्का सा, ठीक है, फिर डबल क्लिक, फिर ठीक है आ गई, फिर इस पर डबल क्लिक करो, फिर ओपीटी फील्ड, क्लियर, इसको क्या था हमारा, इसको डॉट का फर्क आ रहा है काफी, क्लियर है, उसके बाद डबल क्लिक करो, यहां से नीचे उठाओ और इसको किसमें कन्वर्ट कर दो पूरे को, हो गया, इसको बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए बारकोड हो गया, सेव करो, सेव करो, क्विट करो, आप कहाँ जाओ, प्रिंट बारकोड, इस पर क्लिक करा, कौन सा फॉर्मेट था, 15x50, साइज आप क्वांटिटी कितनी, 1 आइटम, ओके, आइटम का नेम क्या था, ब्लैक जींस, प्रीव्यू करा, ये आपकी स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, हो गई शो।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्किप। स्किप मतलब होता है छोड़ के। मैंने अगर एक छोड़ के बोल दिया ना तो मेरा डाटा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक छूटेगा फिर स्टार्ट करेगा। तो स्किप ब्लैंक को ध्यान रखना, ये यहाँ पर आप 5 मत कर दें कि आपको जो 10 कॉपी निकालनी है तो आपको 0 ही शो होगा। जैसे आपने यहाँ पर 10 कर दोगे ना तो कितना शो होगा आपका, ब्लैंक शो होगा। क्यों? क्योंकि 10 के बाद बोला है आपने। ठीक है, देखो 10 के बाद शो हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। अब सर मैं ना सपोज मैं कोई आइटम परचेस कर रहा हूँ और कब परचेस करते वक्त मुझे बारकोड निकालना है। मैं काम कर रहा हूँ किसी के पास, उसके पास ये आइटमें आई हैं, उसने कहा कि जैसे ही मैं परचेस का बिल सेव करूँ ना मेरी आइटम, मेरा आइटम का बारकोड भी निकल जाए। किसका बारकोड निकल जाए? मेरी आइटम का बारकोड भी निकल जाए। जैसे मैंने यहाँ पर येलो जीन्स खरीद ली, एंटर, साइज को 8 दे दिया 008, फिर 32 से 28 साइज दे दिया, पीस 200 बोल दिया और आर्टिकल नंबर ये डाल दिया, पीस 1100 और इसको सेव कर दिया। हो गया सेव, कोई प्रॉब्लम? मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस बिल को सेव करूँ तो मुझसे वो बारकोड के लिए भी पूछे। किसके लिए पूछे? बारकोड के लिए। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? किसके अंदर? परचेज मेन और कि जैसे ही सेव हो नेक्स्ट बटन स्क्रीन के आ जाए प्रिंट बारकोड, इसको आप क्लिक कर दो। उसी बिल को खोलूं, देखो आप लोग, मैं जैसे ही सेव करूंगा पहली स्क्रीन सेव की आएगी और नेक्स्ट स्क्रीन की आ जाएगी, एंटर मारा वही मैसेज आता जो वहाँ जाते हैं हम लोग। फिर हमने एंटर मारा, वो बारकोड की स्क्रीन फ्लैग आके कह रहा फॉर्मेट कौन सा है, तो मैंने बोला कितनी कॉपी, क्वांटिटी शो, कितनी कॉपी निकालनी है। ओके, ठीक है, क्योंकि एक बार में हमने 2 कर रखे ना वहां पर बारकोड बनाते वक्त यहां पर। अब कोई डाउट है? देखो जो प्रॉब्लम आपको बेसिकली आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर मैं ओपीटी फील्ड लिख रहा था लेकिन कैप्शन आपको पता है क्यों लिखना है? कैप्शन ताकि वो हेडिंग शो हो जाए। अगर मैं कैप्शन नंबर ब्लैंक कर दूं ना, देखो मैं ब्लैंक कर दिया और सेव कर दिया, सेव कर दिया फॉर्मेट, F2 से सेव करा सभी जानते हैं। उसके लिए कहाँ गए? फिर ये करा, यह नाम आ रहा है लेकिन स्टाइल नंबर शो नहीं हो रहा, अजीब सा लगेगा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा किसका ये क्या बता रहा है। तो कैप्शन एक हेडिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? हेडिंग के लिए। ये आज हमारा पहला बारकोड का टॉपिक था जिसमें हमने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन सीखा।